हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी स्नैक्स, वो भी चीज़ के बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। क्रिस्पी पनीर बॉल्स बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेम्पटिंग और यमी लगती हैं ये खाने में भी, और क्रंची भी बहुत होती हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ्तारी के टाइम पे भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही हटके एक अलग स्नैक्स है। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। दो गाजर ऑरेंज वाली ग्रेट कर ली हैं। कैबेज को हमने यानी कि बंद गोभी को कर लिया छोटे छोटे डाइसेस में चॉप, और एक ग्रीन वाली कैप्सिकम को भी हमने छोटे छोटे डाइसेस में कर लिया है चॉप। साथ में ले लिए हैं जी कुछ मसाले, जिसमें 1 टेबल स्पून लिया है हमने सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच लिया है अजवाइन, 1 टेबल स्पून लिया है चाट मसाला, और 1 टेबल स्पून लिया है स्पेशल मसाला। साथ में ले लिया जी हमने 4 टेबल स्पून अपने राइस फ्लोर का, और साथ में हमने 200 ग्राम चीज को कर लिया है ग्रेट। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ग्रेट हुए। हाँ जी, तो अब हम अपने चीज में जो है कैरेट ग्रेट की हुई कर देंगे जी सारी ऐड अच्छे से। चैनल पे पहली बार आए हैं जी तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब बेल बटन के साथ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कैबेज को भी कर देंगे जी ऐड अपने चॉप्ड। आप कैबेज और कैरेट की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं जितने स्नैक्स आपने बनाने हैं। साथ ही कर देंगे जी कैप्सिकम को भी ग्रीन वाली को ऐड। अब कर लेते हैं जी अपनी वेजीज को और चीज को अच्छे से हम मिक्स। ये देखिए जी, हमारा चीज और वेजीज आपस में कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंडशिप होगी इनकी आपस में ना। आपके ऐड कर देंगे जी अपने सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे। और इनको कर लेंगे जी मसालों को अच्छे से मिक्स अपनी वेजीज और चीज में, क्योंकि जो हम चीज बॉल्स बना रहे हैं ना, उसकी परफेक्शन का यही तरीका है कि आप हर सामान को थोड़ा सा अलग अलग करके ही मिक्स करें। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से, आपको बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। इवनिंग स्नैक्स में, इफ्तारी के टाइम पे आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं, और बाद में जब खाना हो कीजिए फ्राई एंड खा लीजिए। ये देखिए, मसाले हो गए हमारे वेजीज में अच्छे से मिक्स। इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे जी हम अपना राइस फ्लोर जो मैंने 4 टेबलस्पून लिया हुआ था, और इसको भी कर लेते हैं जी मिक्स। राइस फ्लोर को भी, राइस फ्लोर इसलिए डाला है हमने ताकि एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाए और क्रिस्पीनेस भी आएगी उससे बहुत जबरदस्त सी। हाँ जी, तो अब इसके साथ में हम ऐड कर देंगे आफ्टर राइस फ्लोर अपना फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया। इसमें ऐड ऑप्शनल है, हो घर में तो ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्वाद में और ज्यादा फर्क आ जाता है, ना हो तो लीव कीजिएगा। वेजीज भी आप अपनी पसंद की कोई भी कर सकते हैं ऐड। इसको भी कर लेते हैं जी कोरिएंडर लीव्स को भी अपनी सारी चीजों के साथ मिक्स। हाँ जी, तो अब हम छोटी छोटी सी अपने हिसाब से बना लेंगे बॉल्स। आपने छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है, क्योंकि हम पनीर बॉल्स बना रहे हैं तो उसी हिसाब से बनाइएगा। मैं यही साइज ले रही हूँ, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारी ऐसे ही कर लेते हैं जी हम अपनी बॉल्स को प्रिपेयर। ये देखिए जी, चीज बॉल्स हो गई है हमारी रेडी। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई। तेल हमने गरम कर लिया था जी, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को रखिएगा मीडियम, और धीरे धीरे से 6 से 7 बॉल्स को ही ऐड कीजिएगा, ताकि आप साइज आराम से चेंज कर सके चीज बॉल्स की।
पानी, तेल कितना गर्म है ना, जैसे पानी में चीटे डालते हैं, कितनी आवाजें आ रही हैं आप देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त स्नैक्स बनने वाले हैं सच में। एक साइड हमारी सीख चुकी है, अब साइड्स कर लेते हैं जी अपनी चीजी बॉल्स की हम शफल, ताकि दूसरी साइड्स भी अच्छे से ब्राउनिश हो जाए हमारी। सिमर गैस पर ही पकाइएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा रेड रेड हो और अंदर से रह जाएगा आपका सामान कच्चा। पनीर स्नैक्स हो गए हैं जी हमारे रेडी, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से। अब इसे हम कर लेते हैं एक प्लेट में ट्रांसफर। अब हम अपना दूसरा लॉट भी ऐड कर देंगे जी, चीजी बॉल्स तो ऐसे ही, और इसको भी मीडियम फ्लेम पे करेंगे कुक। ये एक तरह से आपके चीजी वेजी बॉल्स हो गए ना, जो बहुत ही टेम्पटिंग से और एक अलग टाइप के स्नैक्स हमने आज बनाए हैं। होपफुली आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। इनको भी जी सिमर पे ऐसे ही सेकेंगे, फ्राई करेंगे और फिर निकालेंगे। ये जो हम चीज बॉल स्नैक्स बना रहे हैं ना, ये 5 to 7 मिनट्स में आपके रेडी हो जाते हैं। जब भी आपका कुछ स्नैक्स खाने का मन करे जल्दी से, तो आप ये बना सकते हैं। और घर में वेजिस तो सबके अवेलेबल ही होती हैं और चीज भी कई बार अवेलेबल होता है, तो आप आराम से बना सकते हैं स्नैक्स को। ये देखिए जी सेकंड लॉट भी हमारा सिमर पे कितने अच्छे से हो रहा है कुक। साइड्स कर देते हैं इसके भी हम ऐसे चेंज, और इसको दूसरी साइड को भी होने देते हैं फ्राई जी। हमारा सेकंड लॉट भी चीजी बॉल्स का हो गया रेडी, बहुत क्रिस्पी सा और चंकी सा। आपको आवाज भी आ रही होगी इनके खनकने की। इसको भी निकाल लेते हैं जी प्लेट में, फिर करेंगे सबको एक साथ डिश आउट और बाकी के भी कर लेते हैं जी ऐसे फ्राई। हमारे टेम्पटिंग सी पनीर बॉल्स आपके सामने है रेडी, विद ऑरेंजेस, फ्रेश फ्रेश रेड चिली केचप और ग्रीन मिंट केचप के साथ। केचप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिंट कोरिएंडर चटनी जो हमने बनाई थी बहुत ही टेम्पटिंग बनी थी, वो भी पनीर स्नैक्स भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बने हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आई होप यू लाइक इट।